सोएब नजीर लाखड़ा वाला रहने का आपका? नौसेर भैया डब्बू वाला गली। और क्या घटना हुई? घटना में ऐसा हुई है कि हम लोग इफ्तार करके हमारी जो बैठक है रुद्रपुरा खाड़ी के हम लोग आके बैठे थे, तो आजू बाजू के अंदर फैमिली वाले रहते हैं। फैमिली वालों ने एकदम बम बम चालू की कि बोले बाजू में खंडर है, खंडर में से एक लड़की बाहर निकल रही है भागते भागते, और उसको लड़की को बाहर निकली तो लड़की को हमने पूछा कि भाई क्यों, तो रोते रोते क्यों बाहर निकली? बोले वो आदमी मुझे मारते मारते अंदर लेके गया और मुझे उसने मोबाइल दिया कि भाई इसमें गंदी गंदी वीडियो है, वो वीडियो देख। वो वीडियो मोबाइल चालू ही था, लड़की का मोबाइल हमने देखा, हमने वो मोबाइल। उसके बाद हमने अंदर घुसे, वो आदमी को ढूंढा, हमने पूरा अंदर छानबीन किया पर वो आदमी हमको मिला नहीं। वापस दो चार आदमी आए, हमको डर लग रहा था अंदर कि कोई आके कुछ मार ना दे अंदर से दूसरा हो, तो दूसरे चार पाँच आदमी आए, हम लोग वापस अंदर गए, फिर भी हमको मिला नहीं। तो एक लकड़े के पार्टी के पीछे वो छुपा हुआ था, मेरी नज़र पड़ी अचानक कि पार्टी के पीछे क्या है, तो मैंने देखा पार्टी के पीछे, तो मैंने एकदम चिल्लाया कि आदमी यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसको हमने वो कॉलर पकड़ के बाहर निकाला, तो वह आदमी ने मतलब कबूल किया खुद ने कि भाई ये पहली बार नहीं बोले, बार बार बोले मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। उसके बाद हमने पूरी पब्लिक वहाँ मोहल्ले में जमा हो गई। उसके बाद उसकी फैमिली वाले आए, उसकी वाइफ वगैरह आए, उसकी वाइफ ने भी बोला कि भाई तेरा कायम का है बोले, और उसकी वाइफ ने भी उसको भर पब्लिक के अंदर चप्पल चप्पल से मारा है। और ये आदमी खुद कबूल करता है कि भाई मैं उसको बार बार लेकर आया हूँ, और लड़की बहुत डरी हुई है, और लड़की की उम्र मेरे हिसाब से मैंने देखा है वहाँ तक 7 या 8 साल हद हो गई है। क्या नाम है ये आदमी का और ये कहाँ रहता है? आदमी का नाम सर पता नहीं मेरे को, जय नाम है, जय नाम है उसका। हाँ सीसीटीवी में भी आया हुआ है, हमने जो पकड़ के निकाला अभी सीसीटीवी में आया हुआ है, वो सीसीटीवी फुटेज मंगाई है। अभी क्या चाहते हो आप पुलिस से? क्या पुलिस एक ही चीज़ चाहते हैं कि भाई हमको मतलब न्याय मिले, और ये लड़की जो बच्ची है आज मतलब इसके साथ हो कल दूसरे के साथ हो सकता है, तो ये मतलब दंड नहीं है सजा कि मतलब जो होता है मतलब एक बार किया दूसरी बार करने की हिम्मत ना करे।